कलश अमृत भगवान अमृत चंद्राचार्य रचित कलश अमृत नो स्वाध्याय चाले छे। एमां कर्ता कर्म अधिकार में 89 मां कलश सुधी स्वाध्याय आपणे पूरो कर्यो छे। आजे 90मो कलश लईए छीए। समय सार में 89 मां कलश पछी कहे छे के उपरना 20 कलशना कथन ने हवे समेटे छे। जुदा जुदा नय द्वारा आचार्य भगवाने ए वातने स्पष्ट करी कि आवा नय छे, एक नय थी वस्तु एक रीते छे, बीजा नय थी वस्तु बीजी रीते छे। आवी मान्यता जे करे छे तो एने एम कहू कि जे पुरुष नयोना कथन अनुसार यथा योग्य विवक्षा पूर्वक तत्वनो वस्तु स्वरूपनो निर्णय करे, એનાથી નિર્ણય કરે અને પછી એ નયોના પક્ષપાતને છોડે છે તો તે પુરુષ છે તે ખરેખર ચિત્ત સ્વરૂપ પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે। આ વાત ગરીબ કળશ વખતે એમણે કરી અને પછી 89મા કળશની અંદર આ બધી વાતને સમેટી અને પછી એમ કહ્યું કે જીવમાં અનેક સાધારણ ધર્મો છે પરંતુ ચિત્ત સ્વભાવ તેનો પ્રગટ અનુભવ ગોચર અસાધારણ ધર્મ છે, તેથી તેને મુખ્ય કરીને અહીં જીવને ચિત્ત સ્વરૂપ કહ્યો છે। એટલે 89ની અંદર આ વાત તો આવી, પણ હજી આ 90ની અંદર એ વાતને વધારે વિસ્તારથી કહે છે। એટલે એમ કહ્યું કે આ ઉપરના 20 કળશના કથનને હવે સમેટે છે। તો 90મા કળશનો શબ્દાર્થ છે કે એ પ્રમાણે જેમાં બહુ વિકલ્પોની જાળો આપોઆપ ઉઠે છે એવી મોટી નય પક્ષ કક્ષાને, એટલે કે નય પક્ષની ભૂમિને ઓળંગી જઈને તત્વવેદી અંદર અને બહાર સમતા રસરૂપી એક રસ જ જેનો સ્વભાવ છે એવા અનુભૂતિ માત્ર એક પોતાના સ્વરૂપને પોતાના ભાવને પામે છે। નય પક્ષની ભૂમિને ઓળંગી જઈ તત્વવેદી સમ્યક દ્રષ્ટિ અંદર અને બહાર સમતા રસરૂપી એક રસ જ જેનો સ્વભાવ છે એવા અનુભૂતિ માત્ર એક પોતાના સ્વરૂપને પામે છે। પંડિત રાજમલજીએ કળશ સમૃદ્ધની અંદર ખંડાન્વય સહિત અર્થ જે કર્યો છે એમની ટીકાની અંદર તે આપણે વાંચનમાં લઈએ છીએ। એમાં કહે છે કે આ પહેલા કહ્યું તે પ્રમાણે, એટલે કે પૂર્વોક્ત પ્રકારે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવશીલ, સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ એટલે કે શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવશીલ એક શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિદ્રૂપ આત્માને આશ્રય દે છે। એક શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિદ્રૂપ પ્રાણરૂપ આત્માને આશ્રય દે છે। અને પછી તો કેવો છે આત્મા, એટલે આત્મા વિશેની વાત લીધી કે અંદર અને બહાર તુલ્યરૂપ એવી ચેતન શક્તિ તે છે, સહજ રૂપ જેનું એવો છે, ચેતન શક્તિ સહજ રૂપ છે એવો એ આત્મા, અને શું કરીને શુદ્ધ સ્વરૂપ પામે છે તો કહે છે કે દ્રવ્યાર્થિક નય પર્યાર્થિક નય એવા ભેદ તેનો અંગીકાર તેનો સમૂહ છે એ અનંત નય વિકલ્પો છે। તો એ બધાને, એ દ્રવ્યાર્થિક નય ને પર્યાર્થિક નય ને એ બધા ભેદ એ નયો બધાને
जे विकल्पो रूप छे ते बधाने तेमने दूर थी ज छोड़ीने दूर थी छोड़ीने शुद्ध स्वरूप ने पामे छे। वात आम छे के अनुभव निर्विकल्प छे अने ते अनुभव काळे समस्त विकल्पो छूटी जाय छे। नए पक्षना विकल्पो पण रहता नथी केम के नए पक्ष एटले के नए पक्ष कक्षा केवी छे तो के जेटला बाह्य अभ्यंतर बुद्धिना विकल्पो तेटला ज नए भेद जेटला विकल्पो तेटला ज नए भेद बाह्य अभ्यंतर बुद्धिना विकल्पो जेटला छे तेटला नए भेद छे केवी ए नए पक्ष कक्षा छे। वळी ए केवी छे नए पक्ष कक्षा तो के छे के विना उपजावे स्वेच्छा शब्द नो अर्थ करे छे विना उपजावे ज उपजे छे एवी जे अति घणी निर्भेद वस्तु मां भेद कल्पना जेमां भेद नथी एवी निर्भेद वस्तु मां पण ए भेद कल्पना रूप ए नए पक्ष कक्षा छे एनो ए समूह छे तेमां ए एवी छे अने एनाथी तद्दन भिन्न आत्मस्वरूप तो के आत्मस्वरूप तो अतीन्द्रिय सुख स्वरूप छे। एटले आ भेद कल्पना निर्भेद मां भेद बतावनारी कल्पना एवा नए एवा विकल्पो एना बधा ने समूह ने सर्व समूह ने छोड़ी ने अतीन्द्रियपणे पोते पोताना स्वरूप मांथी आवता सुख शांति आनंद नो अनुभव करे छे। तो ए रीते आ नेवमो कलश छे आपणे पूज्य गुरुदेव पासेथी नेवमा कलश उपर विस्तार समझिए। कलश प्रवचन भाग त्रीजो कलश नेव पर प्रवचन पहले थी शुरू करी अने लीधु छे पान नंबर 154 पर छेल्ले कलश छे त्यांथी शुरू करशे गुरुदेव। ઘણા દિવસે આ ચલતા હતા સ્વેચ્છા સમુચલન સમુચલન અનલ્પ વિકલ્પ જાલા એવં વ્યતીત મહતી નય પક્ષ કક્ષામ અંતર્બહી સમરસ એક રસ સ્વભાવમ જોયું નૈપક્ષ વિષમભાવે નૈપક્ષ છોડક સમરસ એક રસ સ્વભાવ સ્વભાવ એકમ ઉપયાંતિ અનુભૂતિ માત્ર એવં સત્તત્વેદી એક સ્વભાવ ઉપી આપી આ પૂર્વોક્ત પ્રકાર સમ્યક દ્રષ્ટિજી ધર્મીજી धर्म का मैल का सोपान का पहला सोपान मोक्ष मैल की पहली सीढ़ी श्रद्धाल माते है ना श्रद्धाल माते ज्ञानचंद जी श्रद्धाल बहुत जानते हैं सुना है लोग बात कर रही थे समझ में आया मोक्ष मैल की पहली सीढ़ी मोक्ष मैल में जाने ना पहलू पगतियों पगतिया सुन शुद्ध स्वरूप का अनुभव तत्वविधि ने व्याख्या करी त्या तत्वविधि ने व्याख्या तत्ववेता कहा था अंदर में ठीक अर्थ में आए हुए यहाँ तत्वविधि क्या कहते हैं अर्थ अर्थ करते हैं ना शुद्ध स्वरूप का अनुभव શુદ્ધ સ્વરૂપ ના અનુભવ શીલ જીસકા સ્વભાવ શુદ્ધ અનુભૂતિ કા સ્વભાવ હો ગયા હૈ આનંદ કા વેદન ને અનુભવ શીલ અનુભવ કા શીલ નામ સ્વભાવ હો ગયા હૈ જો અનાદિ કા રાગ ને પુન પાપ કા ભાવ કા
विकार का शील नाम स्वभाव हुआ था, ये सम्यक दृष्टि अनुभवशील हो गया था। कन्हैयालाल जी जीनी बातों से हाँ कहिए थोड़े वक्त ये मे उन्नति बहुत निवृत्ति लेना चाहिए। हाँ बेटा जी हाँ बढ़िया तो थी जाए हम नहीं आ अंतर्मूर्त में था कौन ना पाते हैं उन्हें प्रयत्न कीजिए ने शीतल पानी भरा है अग्नि से उष्ण हुआ पर ये उष्णता को पानी का जल घरा घरा भाषण घरा कहते पानी में भरा हो उष्ण गुलाट मारे पानी अग्नि को घरा कर दी कालू कर दी है गर्म पानी ने पण शीतलता पड़ी है तो गर्म पानी तो थक जाए अग्नि भी सर जाए। ऐसे भगवान में वितरागता शीतलता परिपूर्ण भई है। ऐसी दृष्टि करने से विकार का अग्नि का ये नाश कर देते हैं। समझ में आया इसमें ये कहने को पुराण पंच पंचंग पुराण इसमें यति लिया यति यति किसको कहिए कि अपना स्वरूप यतना ना अयतना आवना नदी विकार आदि भाव आवना नदी ऐसा उसको हम यति कहते हैं। अपना स्वरूप आनंद कर्म की यतना करने वाला अयतना विकार परिणाम आने नदी उसको यति कहते हैं। समझ में आया साधु साधे इसी आनंद का स्वभाव का साधे इसकी साधु कहते हैं। मुनि देख में उतर आए क्या एक एक गुण पर ज्ञान साधु ज्ञान मुनि ज्ञान यति ज्ञान ऋषि ये चार बोध में उतर आए अने पहले ग्रस्त ब्रह्मचारी वानप्रस्थ में उतर आए क्या भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप क्या है गृहस्थ है गृहस्थ है अर्थात ग्रह नाम अपना घर में स्थिर रहने वाला है मचे गृहस्थ है ये राज में रहने वाला नहीं है ये गृहस्थ हाँ गृहस्थ पैसा वाला धूल वाला ये गृहस्थ नहीं है। अपना ज्ञान ने आनंद घर में स्थ गृहस्थ अपना आनंद घर में स्थ रहने वाला को ग्रस्त कहते हैं। जिन्हें सुंदर जी ब्रह्मचारी कहते हैं उसको ब्रह्म नाम आनंद नाम चरने वाला अनुभव करने वाला उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ये ब्रह्म शरीर से ब्रह्मचर पा रहे तो ब्रह्मचारी तो विकल्प रहा है ब्रह्म नाम आनंद नाम आज प्रभु उसका ब्रह्म नाम आचरण करे अतीन्द्रिय आनंद का चरना रमना उसमें उसको यहाँ ब्रह्मचारी संकीर्ति को ज्ञान को संकीर्त को चारित्र को प्रमेय को प्रमाण को आ रीते हैं उसको ग्रस्त कहने में आता है। समझ में आया नहीं रीते ब्रह्मचारी वान प्रस्थ अपना स्वरूप में रहने वाला दूसरा स्वरूप आने न दे उसका नाम वानप्रस्थ है। आते हैं उस अनुमति में गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ चौथा बोल संन्यास में चार बोल साधु मुनि यति ऋषि चार बोल लिया है सात बोल लिया है। भाई दीपचंद जी बहुत काम दिया है पंचसंग्रह में बहुत काम किया एक एक शब्द में उतर जाए एक एक गुण में एक एक ऋषि ज्ञान मुनि जति ऋषि रुद्धि अपनी रुद्धि में रहते हैं उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि या है बाबा मोटा बाबा लगे या मोटा जटा लगे देने ऋषि तो इसको कहिए कि अपनी संपजा रुद्धि जो आनंद की रुद्धि ज्ञान की रुद्धि
इसी समृद्धि पर्याय में वसावे का नाम उसी कहने में आता है। समझ में आया? आए कहते हैं सम्यक दर्शी शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील एक शुद्ध स्वरूप चिद्रूप आत्मा को आस्वाता है उपी आती नजर क्या कहें एकम स्वम भ्राम उपी आती एक स्वभाव नाम शुद्ध स्वरूप चिद्रूप उपी आती ऐसा आत्मा को आस्वाता है। उपयाती अर्थ करो आत्मा को प्राप्त करता है इसलिए आत्मा का आनंद का आस्वाद लेता है। चौथे गुण स्थान हो या सम्यक दृष्टि पांचवा गुण स्थान में तो शांति बहुत बढ़ जाती है। मुनि दशा तो प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का प्रचुर प्रचुर संवेदन इसको मुनि के बापू कहीं बाहर नहीं क्रिया करे नग्न हो जाए माटे मुनि है। समझ में आया? ये यहां कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप चिद्रूप खुला कर आत्मा को इस आत्मा कैसा है शुद्ध स्वरूप चिद्रूप एक आस्वाता एक को आस्वाता है विकल्प जो अनेक था उसको छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का ध्येय बनाकर अपने पर्याय में आनंद का आस्वाद लेता है। समझ में आया? कैसा है आत्मा अंतर बही सम रस एक रस स्वभाव मां भीतर अंतर शक्ति भी आनंद है शुद्ध है समरस है पर्याय में भी समरस है। शक्ति ने आनंद स्वरूप भगवान अंतर में शुद्ध समरस है अने अनुभव करते पर्याय में भी समरस आया। ये बही पर्याय बही है वस्तु अंतर ध्रुव अंतर है। समझ में आया? आओ मार अरे आओ मारे गए खाने न पड़े सांभो अनु मरे क्यारे प्रयोग करे भीतर में ध्रुव है। आज बाई नहीं पीछ रहे पर्याय को ही बाई कहते हैं राज कोई बात है ये नहीं अंतर में ध्रुव ने बाई में पर्याय दो ही भीतरा संभव है। समझ में आया? भीतर बाहर तूल रूप ऐसी समरस तूल एटले ओलो विकल्प थाने विषम एनी समय तूल कहा तूल एटले समरस विकल्प में थे समरस विषम रस था तूल रस ये वो स्वभाव ऐसा समरस आया विकल्प रहित अनुभव करने पर समरस आया इस समरस का वेदन ये वितरा का वेदन है। एक चैतन्य शक्ति ऐसा एक रस का अर्थ किया एक रस चैतन्य शक्ति ऐसा स्वभाव सहज जिसका ऐसा है चैतन्य शक्ति उसका स्वभाव तो स्वभाव का भान हुआ पर्याय में भी चैतन्य शक्ति का वेदन आया उसका नाम धर्म की पहली सिटी पहली सिटी विशेष किया कर्ता कर्म दूता नेव प्रशंस एवं सत्वेदी एकम सिंह भाव की आती गुरोक्त प्रकार अर्थान
मैं शुद्ध हूँ, सहेद हूँ, एक हूँ, ऐसा विकल्प करता होता है। जमलग तमलग को हिंसा देती है, आया व्यवहार का पक्ष तो छुड़ाया था पहले, तो यहाँ निश्चय में विनायक परमात्मा स्वरूप जीव रूप आनंद कान ऐसी स्थिति में जो विकल्प उठते हैं, ये विकल्प का जब कर्तव्य है, तब लग विकल्प कार्य है न कर्ता जीव क्रिया है, तब लग मिथ्या है। कर्ता कर्म अधिकार है न, जब ये विकल्प छोड़कर निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने के काल में एवं पूर्वोक्त प्रकार असहाय प्रकार है, समझ में आया, वस्तु का स्वरूप जो आनंद वो तरफ का झुकाव है, विकल्प का नाश होने से विकल्प मेरा सरकार में करने एक बुद्धि का नाश होता है। तो सिदानंद स्वभाव का अनुभव होता है, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि भी है पूर्वोक्त प्रकार है, सम्यक दृष्टि भी अनंत काल में कभी ये किया नहीं, धर्म ने नामे पर विकल्प ने दया दान व्रत भक्ति का परिणाम किया, संसार ने नामे तो पाप प्रपंच सारा, ये तो पाप का परिणाम, इसका कर्ता नहीं मेरा कार्य, ये तो निषाद भाव है। यहाँ तो अंतर में दयादान व्रत का परिणाम आता है, तो ये भी मेरा कार्य ने मैं करता उसका भी मिथ्या भाव है। आगर जता मैं शुद्ध हूँ, एक भेद हूँ, ऐसा विकल्प उठते है, ये विकल्प उठते है, तब लोग विकल्प का करता अगड़ाएगा, विकल्प करता न विकल्प कार्य निषाद भाव है। तो जब पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दृष्टि की शुद्ध स्वरूप का अनुभव सिद्ध, धर्म चीज बहु अलौकिक है, ये कोई बाह्य का शास्त्र ज्ञान से क्रिया काम से मिल जाए ऐसी चीज नहीं। न्याय कहते हैं संगत दृष्टि जीव अनुभवशील शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील, अनादि अज्ञानी अशुद्ध का अनुभव, उन्होंने पाप का मलिन था उसका अनुभवशील था, यहाँ तो अनुभवशील शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील। अंतर आनंद नाद प्रभु उसका अनुभव, इसके अनुसरी ने आनंद की पर्याय का वेदन करना, ये अनुभव शिव सम्यक दृष्टि से मन आता है। धर्म नहीं पहली सीढ़ी, एक शुद्ध स्वरूप चिद्रूप आत्मा को आस्वाद है, एकम संभाव आती, एक शुद्ध स्वरूप स्वरूप आत्मा को आस्वाद है, बहुत विराम काम से बात है।
ભણતરમાં આનંદના સ્વાદમાં આયા ત્યારે અતિન્દ્રિય આનંદ કા વેદન સ્વાદ આયા જો વિકલ્પ કા જબર કરતા થા તબ લગ દુઃખ કા સ્વાદ થા સ્ત્રી કુટુંબ પરિવાર ને રહું કમાવું એ બધું લક્ષ્યું અને દયાદાન વ્રત ભક્તિ ના પરિણામ સુખભાવ દુઃખ વેદન પણ અહિયાં તો નય પક્ષ નો વિકલ્પ પણ દુઃખ વેદન ધરમ બહુ સૂક્ષ્મ દિશે જનમર મિટે ભાવ કા છેદ હો અભાવ ભાવ કા ભાવ પ્રગટ હો એ બહુ સૂક્ષ્મ ચીજ હે ભાઈ જે કહેતે હૈ કે અપના શુદ્ધ એક શુદ્ધ સ્વરૂપ કીદ રૂપ ક્યા કીદ જ્ઞાન રૂપ ज्ञान का प्रकाश रूप आत्मा उसको आस्वाद तो है निर्विकल्प अनुभव काल में अतीन्द्रिय शुद्ध स्वरूप आनंद का आस्वाद आता है ये फिर आई सुनने आया કેટલા કહેતે કે તો શુદ્ધ ઉપયોગ તો બી હોય નહીં માટે શુભ કરો તો ધર્મ હે નહીં ઉસ્કાર કરો એટલે અધર્મ કરો હિન્દીઓ ધર્મ હે અહીં તો મેં શુદ્ધ ખંડ ભેદ એ તરફ કા ઝુકાવ કા વિકલ્પ બી જ્યાં ધર્મ હે સમજને આયા અરે આખો વ્યવહાર ધર્મ તો કભી હોતા હૈ જે નિશ્ચય ધર્મ હોતા હૈ તો રાજ આતા હૈ ઉસકો વ્યવહાર ધર્મ કા આરોપ કહેને મેં આતા હૈ આખર નિશ્ચય આત્મા કા આનંદ કા સ્વાદ આતા હૈ એ નિશ્ચય ધર્મ અને ઉસકી સાથ રાગ કી મંદતા બાકી રહે જાતી હૈ ઉસકો વ્યવહાર ધર્મ કા આરોપ દેને મેં આતા હૈ ધર્મ નહીં હૈ અધર્મ સમજ મેં આયા પણ ઉસકો વ્યવહાર આ નિશ્ચય કા આરોપ દેખર જૈસે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન હૈ અપના શુદ્ધ ચૈતન્ય કા દ્રષ્ટિ અનુભવ મેં પ્રતીતિ નિશ્ચય સમ્યક દર્શન ઓર સાથ મેં દેવગુરુ શાસ્ત્ર કી શ્રદ્ધા કા રાગ નવ તત્વ કા શ્રદ્ધા કા રાગ શાસ્ત્ર કા ધર્મ કા પઢને કા વિકલ્પ કા રાગ ये राग है तो विकार चारित्र का दोष प्राण उसको यहाँ निश्चय संकेत है तो उसको व्यवहार संकेत का आरोप दिया हाँ ये संकेत की पर्याय व्यवहार ही नहीं है तो राग की पर्याय सारी जीवन बातें सम्यक दर्शन से ये आत्मा की अरागी पर्याय साथ में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा शास्त्र पढ़ना आदि महाव्रत का भाव ये है तो राग ने चारित्र दोष ने बंध का कारण पर यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन ने मोक्ष मार्ग अपना आश्रय से हुआ उसमें व्यवहार आरोप करके व्यवहार मोक्ष मार्ग का है तो बंध का मार्ग है करना फरना नहीं आता है बीच में जब लोग वितराग न हो तब लोग शुद्ध स्वरूप का अनुभव की दृष्टि होने पर भी
दरिया इना कमजोरी से सुभाव आता है, पर है बंद का कारण। ज्ञानी धर्मी को भी सुभाव ही बुद्धियां आता है, ये बुद्धियां ये है भगवान उपाधि बुद्धियां ये है। वस्तु चिदानंद सचिदानंद प्रभु ये उपाधि बुद्धि अग्नि है, राग ये बुद्धि अग्नि है। बात आ रही है बापे ने पहले ज्ञान में आ सत्य ऐसा है ऐसा निर्धार तो निकी तो करना पड़े। हाँ ऐसी तो रखड़ी ने मरी जो थे उतार कर भूली जन्म मरण कई करी ने होता निकली गया बापू एने खबर नहीं थी। घाणी में जेम तल पिलाय एम दुख में अनादि थी पिलाई गयो आनंद नो नाथ सतेन्द्रीय आनंद नो सागर प्रभु अपनी दृष्टि बिना राग ने रुचि ना प्रेम मा दूध से पिलाई गए। समझ में आया आई तो करता कम त्या लगी ले गया वर्का करता तो नहीं व्रता जी का करता फरता नहीं ये बातें छोड़ दिया पर मैं अभेद शुद्ध चैतन हूँ आनंद हूँ चिद रूप हूँ ऐसा विकल्प जो उठते हैं ये भी कर्ता कर्म है। अज्ञानी कर्ता नहीं विकल्प उसका कार्य है। हाँ मार अरे इन्हें कोई भी दरकार करी नहीं दया करी नहीं पूरा ने अपनी अपनी दया खाई मेरा क्या होगा मैं क्या जाऊंगा मेरी क्या दशा होगी देश छूट कर क्या जाएगा प्रभु। एकीला राग ने द्वेष ने पर्याय मार एकाकार हुआ दुखी होकर यहाँ से निकलेगा अने जाएगा क्या पर राग जे दुख ने क्या पिला पिलाएगा। अपनी दया तब क्या कहने में आता है मैं तो विकल्प से रही चैतन हूँ ऐसी चीज की प्रतीति ज्ञान में वेदना ना जारे जीव आत्मा की दया किसने किया स्वदया किया। समझ में आया वहां ये कहते हैं शुद्ध स्वरूप आत्मा को आस्वादता कैसा है आत्मा भीतर ने बाहर चेतन शक्ति ऐसा है। शक्ति ध्रुवपन चेतन है अने उसकी पर्याय भी चेतन हुई जो राग का विकल्प छोड़कर आत्मा का आनंद का स्वाद की निर्विकल्प दृष्टि में आया त्यारे उसको पर्याय में भी आनंद आया स्वभाव में आनंद तो है ही तो पर्याय में आनंद आया अंतर भाई बे ही आनंद वितरागता हुई अंतर वस्तु तो वितराग स्वरूप है ही पर विकल्प का कर्ता छोड़ कर जाए आनंद का वेदन में आया त्यारे वितराग की पर्याय बही पर्याय में वितरागता दे छोकर विलायत मारे थे 2000 पैदा करे थे महीने ठीक मरी जो के भी सारे दिखे के बाद आत्मा ने दिख रहा के आत्मा ने बाप दिखा। हाँ विकल्प भी जो आत्मा का नहीं है कि बाहर की चीज का देना समझ में आया यहाँ लग तो कल आया था ना
रूप जिसका है चैतन्य शक्ति, एकम चैतन्य सामर्थ, जानना देखना रूपी सामर्थ, ये जिसका भाव सहरूप है, ऐसी दशा प्रकट हुई। सम्यक दर्शन में विकल्प का कर्तापना छोड़कर स्वभाव का स्वाद आया, कार्य सम्यक दृष्टि सहदूप जिसकी दशा हुई, जो विकार की दशा थी उसको छोड़कर स्वभाव की दृष्टि किया तो सहदूप दशा वस्तु में वितरागता पर्याय में वितरागता आई, अंतर दही बही समरस है। सूक्ष्म है भाई, अधिकार अध्यात्म का सूक्ष्म है। नए पक्ष कक्षम व्यतीत है, क्या करते सूक्ष्म रूप पाता है, द्रव्यार्थिक प्रजार्थिक भेद आया ना सर, बीस बोल द्रव्यार्थिक में शुद्ध हूँ ना भेद हूँ, पर्यार्थिक में अशुद्ध हूँ ना नहीं हूँ आदि, ये दो ही का द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक विष भेद द्रव्यार्थिक का विष भेद पर्यार्थिक का आ गया, ये उसका पक्ष अंगीकार उसका समूह है अनंत नए विकल्प। आहा मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं चारित्र हूं, मैं अस्तित्व हूं, वस्तुत्व हूं, मैं ऐसा एक एक गुण का विकल्प, ऐसा अनंत विकल्प उठते हैं कैसे। ये अनंत विकल्प का समूह उनको दूर से छोड़कर, दूर से छोड़कर करके नहीं, दूर से छोड़कर उपदेश की शैली है, बाकी अंतर में अनुभव में गए तो विकल्प उठते नहीं, इन्हें दूर से छोड़ा एम कहने में आता। अरे क्या जाऊ बाहर ना प्रभु का बता महान, यहाँ महान महान मसान होता है ना समझान, आत्मा का सम्यक दर्शन में जो अनुभव होता है ये राग रहित होता है, निर्विकल्प है। आ है अनुभव निर्वित, उस अनुभव के काल में समस्त विकल्प छूट जाते हैं, राग का विकल्प मात्र बुद्धि पूर्वक से छूट जाता है और अंतर अनुभव में आता है तब सम्यक दर्शन पाते हैं। ये बात है, लोक वो एम के कितना क्या सोनगढ़ वाले सम्यक दर्शन मौगा कर दिया एम कहते हैं। हमारा सब कुछ यही क्या मौका, आप विकल्प छोड़े जा रहे निर्विकल्प दृष्टि था, ये मौका कर दिया अने हमारे मौका संकित था। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंच महावक्ता परिणामी श्रद्धा का नहीं है तुम गीत। अरे भाई तुम मिथ्यात भाव है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भाव ये राग है, ये मिथ्यात नहीं, पर राग को धर्म मानना ये मिथ्यात है। ये भी चर्चा मत चर्चा की मखन लाल जी, मखनलाल जी हम कहते क्या देवगुरु शास्त्री श्रद्धा को मिथ्यात कहते हैं सौंदर वाला ऐसा एम नहीं, देवगुरु शास्त्र की परद्रव्य है उसकी श्रद्धा ये राग है, पर राग में सम्यक दर्शन हुआ ने धर्म मानना वो मिथ्यात है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा ये मिथ्यात नहीं। समझ में आया ये प्रश्न चला है मखनलाल जी चलाया, हाँ वो खानिया चर्चा में भाई चढ़ाया रतन चंद जी तुम्हारा गांव में जिनेश्वर दास के गांव का है वो रतनलाल जी रतन चंद उसने ही चलाया है। ये प्रश्न था कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा को मिथ्यात कहते हैं सौनगढ़ वाला,
ऐसे हम कहते ही नहीं, कभी किया ही नहीं। देव गुरु शास्त्र परद्रव्य है, उसकी श्रद्धा का नाम राग है। राग को धर्म माना ही मिथ्यात है, उसकी श्रद्धा ही राग ही मिथ्यात नहीं है। अरे भाई कहीं ना कहीं के ना कि बेचारा शू करे। हाँ कहते हैं अनुभव के काल में विकल्प समस्त छूट जाते हैं। विकल्प है ये मिथ्यात नहीं, विकल्प मेरा है ऐसी मान्यता ही मिथ्यात है। समझ में आया, राग आता है राग मिथ्यात नहीं, पर राग मेरा है न राग से मेरे धर्म होगा ये मान्यता मिथ्यात है। समझ में आया, नई पक्ष कक्षम कैसी है महत्ति, जितने बाह्य अभ्यंतर बुद्धि के विकल्प होते हैं, है ना, बुद्धि पूर्वक का बात है वो, है ना, बुद्धि के विकल्प होते नहीं, नहीं भेद है, बुद्धि है ना भाई, शू कहीं क्या किया, बुद्धि पूर्वक जितना विकल्प उठते हैं सब छूट जाते हैं, अबुद्धिपूर्वक विकल्प रहते हैं अनुभव में, अबुद्धिपूर्वक विकल्प रहते हैं, पर बुद्धिपूर्वक मैं आ करता हूं, आ मेरा कर्तव्य है, ऐसी बुद्धिपूर्वक विकल्प, बुद्धि के विकल्प उतने ही नहीं भेद है, ये सब छूट जाता है। अरे अजी तो पहले क्या कहते हैं समझना में कुछ भाई, जन्म मरण ना अंत बापू, एक निगोद में एक श्वास माधार भाव, कल कहा था नहीं ब्रह्मदत्त नाम नहीं कहा था भाई, इन्हें विचार के भी किया ऋषि ब्रह्मदत्त 700 वर्ष रही तो इतना श्वास हो तो एक श्वास में इतना लाख पल्युपम दुख, एक श्वास में इतना पल्युपम कितना है, 11,56,000 पल्युपम। हा हा एक सत्संग है, एक श्वास का फल, 700 वर्ष तो चक्रवर्ती पद कहीं 700 वर्ष नहीं रहते थे, आयुष की तिथि 700 वर्ष थी, तो इस 700 वर्ष का जितना श्वास हो ये श्वास में सुख मैना संसार में कल्पना में हमें सुखी छे, देव देव सेव कार सेव करे छे, ऐसा तो देव 100,000 तो देव है, एक तो स्त्री 1,000 देव सेवा करी तो स्त्री थी, एक ऐसी 96,000 स्त्री दूसरी इसको देव ना सेवा करे, एक स्त्री स्त्री रत्न है ये पटरा। इतना सुख की कल्पना में 700 वर्ष तो गए तो एक श्वास का फल में इतना क्या, 11,56,000 पल्योपम प्रभु एक विचार तो कर तू, अरे 11,56,000 पल्योपम एक श्वास का फल इतना, तू तो कोई कह के आते कहीं, समझ में आया, सुन के आई चूंकि तू ककड़ी के चोर को ऐसा तो नहीं है न, ककड़ी का चोर को फांसी ऐसा नहीं, भगवान तेरी चीज आनंदना नाथ ने पुण्यना के पापना भाव किया उसमें अपना पना मानकर एने तो एक पाप था ब्रह्मदेव ने, तो समझ में आया,
चक्रवर्ती पद 2000 देव सेवा 96000 स्त्रियां 72000 नगर ने 48000 पाटन ने 96000 करोड़ गाम એની કલ્પના એક શ્વાસ ની મેં સુખી હું મેં મજા ઠીક હૈ ઉસકા ફળ મેં એટલા લાખ 11 લાખ આદિ લોકોં કી નો કહે ભાઈ એક પહેલના અસંખ માં ભાગમાં અસંખ બજ વર્ષ એક પહેલ પુલ્લુપમ કાળ કા માપ હૈ કાળ નો માપ પુલ્લુપમ હૈ उसका असंख्य मां भाग मां असंख्य बस वर जाते हैं ऐसा एक पल्लुपम ने ऐसा 11 लाख पल्लुपम एक श्वास आपको मां बापू समझ में आया अरे दया भाई है अरे रे ने विचार क्या करो राजी राजी थी कि भारती બારથી ખુશી ખુશી થઈ ગઈ બસ આમ અરે પ્રભુ શું છે ભાઈ તારા આનંદ ના નાથ નો અનાદર કરી અને બાર થી ખુશી પણ થાય હોતા હૈ મહા મિથ્યા ભાવ હૈ સમજ મે આયા હા ક્યાં ઉપાય કહેતે ને આજે તો ઉપાય કી બાત ચાલતી વિકલ્પ કો છોડક નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિ ને અનુભવ કરના એ છૂટને કા ઉપાય હૈ એક જ ઉપાય એક દૂસરા ઉસમે ઠરના ઉપાય હૈ દૂસરા કોઈ ઉપાય હૈ નહીં નીચે આયે ને વ્યવહાર કોઈ ઉપાય એસા હૈ નહીં સમજ મે આયા એકાંત સમ્યક એકાંત હૈ સમ્યક એકાંત ને મિથ્યા એકાંત સમ્યક ને એકાંત મિથ્યા ને એકાંત ઉસમાં સમ્યક એકાંત અરે એની વાત બાપુ અરે જગત ને મળે નહીં આ વાત અને જિંદગી નીકળી જાય આ કહેતે કે વિકલ્પ ઉતને નહીં ભેદ કેસી હૈ વિકલ્પ એ બાહ્ય ગંધ બુદ્ધિ કે વિકલ્પ ઉતને એ ગયા ને એ ક્યાં ક્યા બુદ્ધિપૂર્વક વિકલ્પ કી બાત યહાં હૈ જીતના બુદ્ધિપૂર્વક આ મેં એસા હું થેસા હું એસા અભેદ હું શુદ્ધ હું એક હું એસી બુદ્ધિપૂર્વક કા જીતના વિકલ્પ રાગ થા એ સબ છૂટ જાતા હૈ સમજ મેં આયા અનુભવ કે કાળ મેં સમ્યક દર્શન કી ઉત્પત્તિ કે કાળ મેં બુદ્ધિપૂર્વક વિકલ્પ છૂટ જાતા હૈ અબુદ્ધિપૂર્વક વિકલ્પ રહેતે હૈ એ ન રહે તો વિતરાગ હો જાય સર્વથા પૂર્ણ વિતરાગ વિતરાગ તો હુઆ હૈ સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ પૂર્ણ વિતરાગ નહીં એટલે અબુદ્ધિપૂર્વક રાગ અંદર હૈ પણ બુદ્ધિપૂર્વક વિકલ્પ છૂટ જાતા હૈ એક એક શબ્દ ને સમજના કઠણ દુનિયામાં મારી નાખ્યા મારે સાધુ પણ એ પુરુપણા કરે કે આ કરો વ્રત કરો અપા કરો તપ કરો એનાથી તમારું કલ્યાણ થશે ભાઈ પુરુપણા જ મિથ્યા રહે આય તો વિકલ્પ મેં એસા હું અભેદ અખંડ આનંદ હું એસા વિકલ્પ કો ભી અપના માનના એ મિથ્યાત હૈ ક્યોંકે સ્વરૂપ મેં નહીં કહેતે દેખો નહીં ભેદ એસી કહેતી હૈ બિના એ ઉપજાય ગઈ સ્વરૂપ મેં હૈ નહીં મેં શુદ્ધ હું અભેદ હું એક હું અખંડ હું એસા વિકલ્પ ભી સ્વરૂપ મેં તો હૈ નહીં બહાર સે વિના ઉપજાય ઉપજ ગયા અંદર મેં સ્વભાવ મેં થયે નહીં આખરી વાત એ તો કયા નહીં બતાયા ને પંડિત ફિર કઠણ ના રહે બતાયા થા ઉસમે કઠણ તો હૈ ભાઈ પણ અપના જ્ઞાન કરને સે
स्वरूप का ज्ञान करने से पता लग जाता है। आया था सूर स्वरूप का विचार करने पर आया था, समझ में आया। एक एक श्लोक तो अलौकिक अमृत ना सागर पूछा है। क्या कहते हैं, बिना ही उपजाई गई, उसका अर्थ स्वभाव में नहीं पर विकल्प में एकदम उत्पन्न होता ही है। ऐसा विकल्प है, ऐसे जो अति बहु अनल्प शब्द है ना, अनल्प, अनल्प एटले अल्प नहीं पर अनल्प गणा, विकल्प निर्भेद वस्तु में भेद कल्पना, विकल्प की व्याख्या क्या किया है। वस्तु तो निर्भेद अभेद अखंडानंद प्रभु है, उसमें भेद कल्पना में ऐसा हूं मैं तैसा हूं, ये भेद कल्पना, ये सब विकल्प राग है। लोको राग इसको कहे क्या, स्त्री कुटुंब परिवार में भोग ने विषय ने आबरू ने कीर्ति धंधा बढ़ी राग है, पर आ राग तो राग जान पे नहीं है। अभेद मां भेद उठाना ये राग है। समझ में आया है शब्द विकल्प की व्याख्या, निर्भेद वस्तु में भेद कल्पना। भगवान सूर्यचिदानंद ज्ञाता दृष्टा, एक रूप अखंड स्वरूप, उसमें ऐसा विकल्प उठाना भेद रूपे, उसका जो समूह, ये विकल्प का राग का समूह है, उसमें ऐसी है। कैसा है ये निर्भेद वस्तु में, अब उसका समूह है, हम कहते हैं विकल्प का समूह उत्पन्न किया। कैसा है, आत्मस्वरूप अनुभूति मात्र, अतेंद्रिय सुख स्वरूप, प्रभु तो अतेंद्रिय सुख स्वरूप है। इंद्रिय सुख की कल्पना ये तो जहर है, पांच इंद्रिय नी सुख नी कल्पना, भोग मां स्त्री नी रमत मां राग, ये तो जहर है, कालो नाग है। समझ में आया, संकेत को राग आता है पर काला नाग जैसा दुख लगते हैं। समझ में आया, आया तो आया कहा कि अतिंद्री सुख स्वरूप हो गया आत्मा, विकल्प को छोड़ा तो विकल्प में अतिंद्र दुख रूप था, उसको छोड़कर अंतर निर्विकल्प में आया तो अतिंद्री सुख रूप हुआ। उसका नाम आत्मज्ञान, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया है, नहीं अंदर पाठ को पीड़ा है, फोनगढ़ पाठ में थी, एक जने हम कही घना वर्ष पहला कि सौंदगढ़ संकेत मौको करी ना कि बहुत सहलू हूं तो हमें मानता ही नहीं, तुम्हें मानता ही संकेत न तो तुम मीठा था तुम। हमने देवगुरु धर्म की श्रद्धा थे, हमें मुनियों ने मानिए छे, तीर्थंकर ने मानिए छे, प्रतिमा ने मानिए छे, बस हमारी श्रद्धा थी। हमें हमारे व्रत आदि करिए, हमारा संबर निद्रा थे। व्रत करना ही संबर है ना, उपवास करना ही निद्रा है। रतनलाल जी तप यहाँ ही है, यथा जिसको तप के प्रतिपद इति तप, जेमा आनंद नो मात पर्याय में तपे न आनंद ही दशा उजड़े, एनु नाम तप है।
ये तो राग होता है विकल्प उपवासनादि। हाँ 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 नियम सार में लिया है प्रतपंते ही तप। आत्मा अपनी पर्याय में जैम सोना सुवर्ण जैम गेरू लगाकर ओकते हैं, ये वो समझते हैं सोना सुवर्ण गेरू लगाकर तो ओकते सोखते हैं। ऐसे भगवान आत्मा अपनी पर्याय में अतिन्द्रिय आनंद से सोखते हैं, उसका नाम तप कहने में आता है। समझ में आया, बाकी तो बड़ी लंघन है। आई बात आखिरी लागे भाई, आ तो आखो जन्म मरण नो उछलो मारवो से। अनादि अनंत जन्म मरण कृत्य आयो से, एमाथी ग्लाट खाई ने ये विकल्प हूं नहीं। आ अतेन्द्रिय आनंद स्वरूप हूं, ऐसा विकल्प भी उसमें नहीं। आई बात है, कैसा है आत्मस्वरूप प्रकट हुआ ही अनुभूति मात्र, एटले अनुभूति मात्र एटले एटले समझा नहीं, अर्थात अतेन्द्रिय अतेन्द्रिय सुख रूप। हा हा अनुभूति अर्थात आत्मा विकल्प छोड़कर आत्मा की अनुभूति करते हैं, अनुभूति अर्थात सत्येन्द्र सुख प्राप्त हुआ। ये शक्ति रूपे सुख था, सुख का समुद्र है तो ये जब उसका स्वीकार हुआ ने अनुभव हुआ तो पर्याय में सत्येन्द्र सुख आया, इसको अनुभूति कहते हैं, अनुभूति इसको कहते हैं। हा 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 सम्यक दर्शन होने पर अनुभव जी होता है, ये अनुभूति अतीन्द्रिय सुख को कहते हैं। हा हा तुम्हारा पैसा पैसा ना दूर में बुझा तो दुख है, पैसा दुख का निमित्त है, इसे दुख नहीं, ये मेरा ऐसी मानता दुख है उसमें निमित्त है, जड़ दुख नहीं, जड़ दुख में निमित्त है। दुख मानते हैं अंदर में सुख, मैं सुखी हूं अभी बहुत मिलते है। पांच पांच दस दस लाख एक एक दिन की पैदाश है, कड़ा ग्रस्त होता है तो मोटी पैदाश होती है, उसमें क्या मधूर में क्या है। हमें सुखी पहलू सुखते जाते नड़िया चौपड़ी माता था। पर कोई शरीर ठीक है भाई वाली भगवान दस आम अपने शेख सुभा तो बदल से ठीक है बदल घना चिट्ठिया शरीर न ठीक हो, पर उसमें क्या आया शेर तो दवा बहुत रखते है। एक बार मैं सोचते थे तो निकले थे दवा मकान में उतरे थे तो बहुत दवा थी हम बाहर तुम्हारा सोने का था ना स्वाम बाहर पड़ी थे तो राखे लोग तो दवा तो आ दवा है जिससे जन्म मरण मिट जाए, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, आत्मा में भ्रांति है कि राग मेरी चीज है, राग सुख की भ्रांति बड़ा रोग है। श्रीमद नहीं आत्म भ्रांति सम रोग नहीं सदगुरु वैद सुजान, गुरु आज्ञा समपुच्छ नहीं औषध विचार ध्यान, ये औषध विचार ने ध्यान ये औषध। आत्मा का ज्ञान ने आत्मा का ध्यान ये जन्म मरण मटाने का औषध है।
समझ में आया कहते हैं कि विकल्प को छूटे तो अनुभूति हुई कि अनुभूति की व्याख्या शू हमने समझाओ कि भाई अनुभूति एटले अति इंद्रिय सुख का स्वाद समझ में आया जारे उसको सम्यक दर्शन ने धर्म हुआ आवी चीज हवे एने मानस ने एवी कही ना कही पर नी दया पावी ने पर नी दया तो पाव सकते नहीं पर की दया का पाव हो ये राग है हिंसा है पुरुषार्थ सिद्धि में कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में राग हिंसा है तो पर नी दया में पाव है सब पाव आया सुख शुभ भाव हिंसा है स्वरूप की राय दया धर्म को मूल है कही दया बापू सानक वासी में तीज चल है बस दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया को ना ही तो ठीक है अपने दया सुखनी विरड़ी उसमें यह है दया सुखनी विरड़ी दया ते सुखनी खान अनंत जीव मुक्ते गया दया तना प्रमाण ये व्याख्या है ए दया बापू ये दया नहीं भाई तने खबर नहीं पर द्रव नहीं दया पार सकते ये बात ज आत्मा में है नहीं पर द्रव की पर्याय क्या है ना जीवन ने करी सके रखे अने पर जीव को क्या मार सके भाव है कि पर को मार नहीं द्वेष है पर को जीवाणु दया ये राग है तो विकार अने ये आत्मा का स्वरूप की गजब बात है उनकी टीका किया है ये लोग तो दया का भाव को हिंसा कहते हैं कई भाव बापू को पर की दया का विकल्प उठते हैं ये राग है रागी स्वरूप नहीं और रागी प्रभु की हिंसा है इन्हीं टीका करी से अमृतचंद्र आचार्य उषा सिद्धि में कहते हैं पर ये कहें वांछन न मिले अपने आग्रह छोड़कर शास्त्र का पोषण करना शास्त्र क्या कहते हैं ऐसी दृष्टि रखना अपनी दृष्टि प्रमाण शास्त्र का अर्थ मानना ऐसे नहीं शास्त्र का अभिप्राय क्या है ऐसी दृष्टि करना अपने अभिप्राय को शास्त्र को वाल लेना पंडित जी ये श्लोक हुआ लो એ રીતે નવમા કળશનો વિસ્તાર પૂરો થયો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.